अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त शेख इशफाक और स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल जे के जॉब अलर्ट्स में फिर नए एक अपडेट के साथ। अगर आप जे के जॉब अलर्ट्स यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन पर प्रेस करना ताकि जे एन के का कोई भी अपडेट आप मिस नहीं कर पाएंगे। गाइज, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था सिक्किम्स के बहुत सारे वैकेंसीज के बारे में, बहुत सारे पोस्ट्स के बारे में, और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इन पोस्ट्स के लिए आप कैसे अप्लाई करोगे, इनके लिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन कैसे सबमिट करोगे, तो वो सब इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है sikkimsmc.edu.in skimsmc.edu.in। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया है वैसे ही आपको भी टाइप करना है और उसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके पास एक पेज आएगा ऐसा वाला पेज, और आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे टॉप पे आपको तीन डॉट्स मिलेंगे, इन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करके इसको डेस्कटॉप मोड पे लाना है। तो मैंने ऑलरेडी इसको करके रखा है, तो आप ऐसे ही करके इस पे क्लिक करना, इसको डेस्कटॉप मोड एक्टिवेट करना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एंड में जाना है, यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक इंटरफेस आएगा, और आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपने पहले ही रजिस्टर करके रखा है तो आपको रजिस्टर नहीं करना है, आपको डायरेक्टली लॉगिन करना है, और इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप फ्रेश है तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा एक इंटरफेस आएगा, और आपको यहाँ पे अपना नाम टाइप करना है। सबसे पहले आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम और यहाँ पे आपका सरनेम, तो ये हमने यहाँ पे नाम टाइप किया। और इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी टाइप करना होगा। ईमेल आईडी को टाइप किया है, ईमेल आईडी टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड कंफर्म करना है। तो ये हमने यहाँ पे पासवर्ड टाइप किया और पासवर्ड कंफर्म भी किया, और पासवर्ड टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन शो होगी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी ईमेल को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम ईमेल को ओपन करेंगे। जीमेल अकाउंट को ओपन करने के बाद आप यहां पे चेक करना है कि सिक्किम्स की ओर से आपकी आईडी में कोई ईमेल आया है या नहीं। अगर आपको यहां पे नहीं मिला तो आपको क्या करना है, आप यहां पे तीन लाइन्स पे क्लिक करना और इसको थोड़ा सा ऊपर करना, और आपको यहां पे स्पैम पे क्लिक करना है। स्पैम पे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे रिफ्रेश करना आप, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज की ओर से नोटिफिकेशन आ चुकी है, और इस पर आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी, इस लिंक पे आपको एक बार क्लिक करना है और इसको वेरीफाई करना है। यहाँ पे हम इस पे क्लिक करके इसको वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे लोडिंग चल रही है, बहुत जल्दी ये वेरीफाई हो जाएगा और हम आगे की प्रोसेस आपको बताएंगे कि कैसे करना है। तो गाइस, फाइनली ये वेरीफाई हो चुका है, और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे तीन लाइन्स पे क्लिक करना है। इन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद ऐसा ही इंटरफेस आपके पास आएगा, और आपको क्या करना है, जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है इस पे आपको क्लिक करना है। हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करते हैं, और इस पे क्लिक करने के बाद और एक इंटरफेस आपके सामने ऐसा वाला आएगा, और आपको क्या करना है और आपको इसको थोड़ा सा ऊपर करना है, और यहाँ पे आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगे, इसको आप अच्छे से रीड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पोस्ट्स रिक्वायरमेंट, एज मिनिमम और मैक्सिमम क्या है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लाई का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक और पेज आपके सामने शो हो जाएगा, और आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स को एंटर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो आपका फोटोग्राफ होगा वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 MB से ज़्यादा होगा तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। फोटो को कैसे कंप्रेस करना है इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो क्रिएट करके रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आप अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर को कंप्रेस करोगे तो आप इसका रेजोल्यूशन 600x600 के आसपास रखना, तभी वो अच्छे से यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले हम यहाँ पे फोटोग्राफ को अपलोड करते हैं।
तो ये फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट टाइटल करना है, आपकी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करना है, फुल नेम। सबसे पहले यहाँ पे टाइटल, मैं यहाँ पे टाइटल मिस्टर लगाता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, उसके बाद आपका सर नेम, ये अगर आपका मिडल नेम भी है तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद पेरेंटेज, यहाँ पे आपको सिलेक्ट में सन, आप डॉटर, वाइफ, आप जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपके फादर का नाम, या जिस कैंडिडेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके फादर का नाम यहाँ पे आप एंटर करना। ये मैंने यहाँ पे फादर का नाम एंटर किया। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना DOB सिलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करने के बाद 2002 पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको यह सिलेक्ट करना है। DOB जो भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने सिलेक्ट किया। आप यहाँ पे मंथ भी सिलेक्ट करना है, उसको साइड में क्लिक करके इसका आप मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे डे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे आपको DOB अपना सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल हो या फीमेल, इस पे आपको क्लिक करना है। और आपका मैरिट स्टेटस, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करना। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करना। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट ऑफ इशू, जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है इसका जो इशूइंग डेट है वो आपको कब इशू हुई वो आपको यहाँ पे मेंशन करके रखना है। उसके बाद डेट ऑफ रिन्यूअल, अगर आपकी सर्टिफिकेट रिन्यू हो गई तो इसका भी डेट यहाँ पे आपको मेंशन करके रखना है। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस जो भी है वो आप यहाँ पे एंटर करना, स्ट्रीट एड्रेस, इसके बाद यहाँ पे सिटी, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका स्टेट, और यहाँ पे पोस्टल कोड एंटर करना। और उसके बाद यहाँ पे कंट्री, वो ऑलरेडी यहाँ पे इंडिया है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपना एड्रेस एंटर कर सकते हैं। तो एड्रेस को अच्छे से एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉन्टैक्ट एड्रेस, हमने यहाँ पे परमानेंट एड्रेस को यहाँ पे ऐड किया। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस भी ऐड करना होगा, ऐसे ही जैसे आपने यहाँ ये ऐड किया। तो ये मैंने कॉन्टैक्ट एड्रेस भी यहाँ पे ऐड किया। सबसे पहले आपका स्ट्रीट एड्रेस, उसके बाद आपकी सिटी कौन सी है, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट या फिर UT जो भी हम बताएं, और उसके बाद आपका पोस्टल कोड यहाँ पे एंटर करना, और उसके बाद फाइनल लास्ट में आपकी कंट्री कौन सी है वो आप यहाँ पे ऐड करना। उसके बाद आपका जो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है जो भी है वो आप यहाँ पे एंटर करना। ये मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऐड किया। उसके बाद आपकी यूनियन टेरिटरी वो आप यहाँ पे ऐड करना, यूनियन टेरिटरी आपकी जम्मू एंड कश्मीर ही होगी। ये मैंने यूटी भी यहाँ पे ऐड किया। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर ऐड करना होगा, लेकिन एक बात आप याद रखना, आपको +91 यहाँ पे मस्ट रखना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको रॉन्ग फ़ोन नंबर बताएगा। फ़ोन नंबर ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी भी यहाँ पे आपको एंटर करनी पड़ेगी। ये हमने यहाँ पे ईमेल आईडी को एंटर किया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को यहाँ पे ऐड करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन पास आउट, हम पहले आप यहाँ पे हम 10th सिलेक्ट करेंगे, 10th, ये हमने 10th को यहाँ पे एंटर किया। उसके बाद आपको क्या करना है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कॉलेज या बोर्ड जो भी है इसका नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है, इंस्टीट्यूट, कॉलेज या बोर्ड जो आपकी मर्ज़ी वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे बोर्ड का नाम सिलेक्ट करता हूँ। ये हमने यहाँ पे बोर्ड का नाम एंटर किया। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग, 10th आपने कब पास किया वो आप यहाँ पे ऐड करना। सबसे पहले आप इस पर क्लिक करना और उसके बाद 2020 पे क्लिक करना और यहाँ पे आप कौन से ईयर में आपने 10th को पास किया और वो यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे मंथ और इसके बाद डेट वो आप यहाँ पे एंटर करना। अगर आपको ये डेट याद नहीं है तो आप अपना मार्कशीट चेक करना, वहाँ पे आपको ये डेट मिल जाए। इसके बाद आप कि मार्क्स 10th में कितने मार्क्स है आपके वो आप यहाँ पे एंटर करना, और उसके बाद परसेंटेज 10th में आपकी परसेंटेज वो भी आप यहाँ पे एंटर करना। उसके बाद अगर आपको 10th से आगे भी क्वालिफिकेशन है तो उसको भी यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पे प्लस का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं और एक कॉलम यहाँ पे ओपन हो चुका है, उसमें आपको डिटेल्स एंटर करनी पड़ेगी जो 10th से आगे है। 10th से आगे 12th है, हम यहाँ पे 12th को ऐड करते हैं। ये हमने यहाँ पे 12th एंटर किया। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, बोर्ड, कॉलेज, जैसे हमने पहले 10th में किया है वैसे यहाँ पे भी आपको एंटर करना है।
जेके बोस हमने यहाँ पे एंटर किया, उसके बाद 12th आपने का पास किया, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है, वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये हमने यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेनर, आपके कितने मार्क्स थे 12th में, वो भी आप यहाँ पे एंटर करना। उसके बाद परसेंटेज यहाँ पे एंटर करना। ये हमने 12th की डिटेल्स भी यहाँ पे एंटर किए। उसके बाद अगर आपको कोई और क्वालिफिकेशन होगी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या और कोई डिग्री होगी, तो आप यहाँ पे वन बाय वन वो एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने 10th 12th यहाँ पे एंटर किया, वैसे ही आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी एंटर करना पड़ेगा। यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद, जब भी आप इस प्लस आइकन क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक और कॉलम ओपन हो जाएगा। उसके बाद वो डिटेल्स एंटर करना, फिर एक बार और प्लस पे क्लिक करना है, और एक कॉलम, यानी कि जितने भी आपकी क्वालिफिकेशंस है आपको वन बाय वन वो यहाँ पे एंटर करना होगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये डिक्लेरेशन है, इसको आप रीड कर सकते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। इस बॉक्स पे आपको एक बार क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना थंब इम्प्रेशन भी अपलोड करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको वो फ़ोटो सिलेक्ट करना है जिसको आप अपलोड करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया, इसको डन किया, और यहाँ पे ये अपलोड हो जाएगा। थंब इम्प्रेशन अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड, मैक्सिमम तो अनएम्प्लॉयड ही होगी, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, आप अपने हिसाब से क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप वो यहाँ पे अपलोड करना, अगर नहीं है तो आप वो बना के रखना, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन हो जाएगी तो इस टाइम आपको इसकी नीड पड़ सकती है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो इसको भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे DOB सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी DOB होगी, कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, तो वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मेरे को बताइए कि आप अपने डॉक्यूमेंट या फोटो को कैसे कंप्रेस कर सकते हैं, इसके लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे और एक बात है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। इसको हम PDF फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आपको क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है कैम स्कैनर, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। आपको प्ले स्टोर में जाना होगा, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है कैम स्कैनर। कैम स्कैनर टाइप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला आप इंस्टॉल करना। मैंने पहले ही इसको इंस्टॉल करके रखा है, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँगा। इसको ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कैसे करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जिस डॉक्यूमेंट को आप PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट करना है, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद टिक पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जनरेट PDF, यहाँ पे हम जनरेट PDF पे क्लिक करते हैं, और आप इसको यहाँ पे सेव करना है। आप यहाँ पे इसका नाम एडिट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, और उसके बाद डन पे क्लिक करने के बाद वो यहाँ पे सेव हो जाएगा, और इसको हमने PDF में कन्वर्ट किया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बैक जाना है, तो हम यहाँ पे आ गए। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे अगर DOB सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है। सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद फाइल में जाना है, और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, मान लो हमें भी DOB को अपलोड करना है, तो यहाँ पे हम DOB को यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो ये हमने DOB को अपलोड किया है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स को भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट क्वालिफिकेशन करनी है, तो सबसे पहले मैट्रिक, ये हमने मैट्रिक को सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। आप अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे एंटर करना। तो मैंने यहाँ पे 10th पास विद 80% मार्क्स यहाँ पे एंटर किया, तो आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद फाइल्स पे क्लिक करना है, और फाइल पे क्लिक करने के बाद वो फाइल आपको अपलोड करनी होगी जो आप अपलोड करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट वाली फाइल है, इसको हमने अभी PDF में कन्वर्ट किया, तो हम इसी को सिलेक्ट करते हैं। ये हमने इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पे ये अपलोड हो जाएगा। इसको अपलोड करने के बाद यहाँ पे ये अपलोड हो चुका है। इसको अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे अगर कोई और क्वालिफिकेशन होगी तो इसको भी आप यहाँ पे
एंटर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, जैसे आपने ऊपर किया वैसे ही यहाँ पे भी करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं और एक कॉलम आपके लिए ओपन हो गया है 12th क्लास के लिए, यानी कि 12th डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। तो हमने यहाँ पे हायर सेकेंडरी सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, जो भी आप चाहे आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको 12th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी होगी। इस पर क्लिक करने के बाद फाइल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे 12th मार्कशीट हम अपलोड करेंगे। तो ये हमने 12th की मार्कशीट भी यहाँ पे अपलोड की है। उसके बाद अगर आपके पास और कोई क्वालिफिकेशन होगी, 10th 12th, तो हमने पहले ही किया है। उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई डिग्री, डिप्लोमा होगी, तो इसको आप यहाँ पे वन बाई वन अपलोड करना प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक कॉलम ओपन हो जाएगा। इसके बाद इसको एंटर करना, फिर वो एक और कॉलम ओपन हो जाएगा प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद। वैसे ही आपको हर कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो इसकी फाइल भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको रिव्यू पे क्लिक करना है। रिव्यू पे क्लिक करने से पहले आप ये पूरी डिटेल्स अच्छे से चेक करना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बाद में। उसके बाद आपको रिव्यू पे क्लिक करना है। रिव्यू पे क्लिक करने के बाद अगर इस पर कोई भी कॉलम खाली होगा तो इसको आपको एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हायर सेकेंडरी यानी कि 12th की जो डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे हमने इसको कुछ ऐड नहीं किया, तो यहाँ पे कुछ ऐड करना होगा। हम यहाँ पे कुछ ऐड करते हैं, आप अपने हिसाब से जो चाहे ऐड कर सकते हैं, मैं भी कुछ ऐड करूँगा। तो ये हमने 12th की डिस्क्रिप्शन पर यहाँ पर ऐड किया। उसके बाद आपको फिर से रिव्यू पर क्लिक करना है। तो रिव्यू पर क्लिक करने के बाद आप दोबारा मेन पेज पर आ सकते हैं, या यहाँ पेमेंट पेज आपके सामने शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पेमेंट पेज शो हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जे एंड के बैंक, स्टेट बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक, इनके थ्रू आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। 400 आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कार्ड, UPI या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप ये पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पे नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं ये आपको डेमो के तौर पर आपको बता रहा था, आपको सिखा रहा था कैसे आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आपको ये फॉर्म प्रिंट आउट करना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपने फ़ोन में इसको सेव करके रखना है, क्योंकि वो आपके पास प्रूफ के तौर रहेगा और वो डिटेल्स आपको काम भी आएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो लाइक करना है। अगर आप ये वीडियो मैं बहुत पहले अपलोड करना चाहता था, लेकिन कुछ तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, इसलिए ये वीडियो लेट हो गया। तो ये था आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अब हमारी मुलाकात किसी और नए वीडियो में होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।